यूक्रेन में फंसे छात्रों को सकुशल वापस लाने की केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिश लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के जरिए छात्र छात्राओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के छात्र भी सकुशल अपने परिजनों के बीच पहुंच रहे हैं। इस बीच विपरीत परिस्थितियों में यूक्रेन से उत्तराखंड पहुंचे छात्र और उनके परिजन सरकार का आभार जता रहे हैं। आपको बता दें, यूक्रेन से अब तक राज्य के 148 छात्र सकुशल वापस आ चुके हैं। उत्तराखंड के 101 छात्र अभी भी यूक्रेन की सीमा पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं और 50 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चल रहे हैं और पल-पल की जानकारी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल यूक्रेन से लौटे छात्रों से दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार परिजनों से भी संपर्क में हैं और खुद उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में जो छात्र वापस लौटे हैं, उनके परिजन और वापस लौटने वाले छात्र दोनों काफी खुश हैं। जहां एक और परिजन अपने बच्चों को अपने पास पाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो वही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस लौटे छात्र सरकार से कई उम्मीदें लगा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में और तमाम मुश्किलों का सामना कर अपने घर वापस लौटे छात्र चाहते हैं कि सरकार उनकी मेडिकल की अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए सहयोग करे। बहुत ज़्यादा खुशी है। और क्या नाम है, सरकार ने जो रोमानिया से यहाँ तक देहरादून तक जो पहुँचाया, उसके हम शुक्र गुजार हैं। पर जो कंडीशन बच्चों के साथ हुआ है यूक्रेन के अंदर, बॉर्डर तक आने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर इनका कोई भी टेलीफोन अगर कर रहे थे तो कोई एम्बेसी वगैरह कोई भी रिसीव नहीं हो पा रहा था, ना कुछ बात हो पा रही थी। इवन वहाँ ट्रेन में भी चढ़ने नहीं दिया था, यूक्रेनी या रशियन जो भी थे, तो उसमें पता नहीं बहुत ही मुश्किल से बच पुचा के आए हैं। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं और ये बच्चे आ गए हैं। लास्ट ईयर में थे, मई में इनका क्लियर हो तो मई जून में इनको डिग्री मिल जाती। अब भारत सरकार इसके लिए आगे क्या करना कर रही है और इसमें इनके लिए पॉजिटिव ही सोचे, और हमारी सरकार उत्तराखंड सरकार भी इसमें अपना जो भी इनसे हो सकता है वो करें। नितिन उपाध्याय। नितिन, यूक्रेन में रहे, कितनी परेशानी, कैसे लौट गए? लाइक परेशानी सबसे पहले शुरू हुई थी 24 ऑफ फेब को शुरू हुआ था सब कुछ। हम लोग सो रहे थे उस टाइम पे, लाइक पहले स्टार्टिंग हुई वहाँ, बॉम्बार्डिंग की स्टार्ट हुई। सो जैसे ही हमें पता चला तो हमारे दोस्तों का फ़ोन आया कि यहाँ ऐसा हो गया है तो बेटर है कि हम लीव करें। तो हमने उसी टाइम प्लान बनाया कि हम यूक्रेन छोड़ देंगे। सो हमने टिकट्स वगैरह बुक कराई वहाँ से लिविव तक की। बट तभी हमें फ़ोन आया दोस्त का कि लाइक अटैक कीव में हो चुका है। तो मोस्टली सारी चीज़ें लाइक कीव से होके जा रही थी, लाइक ट्रेनें, तो इस वजह से फिर हमने वो प्लान ड्रॉप किया। और फिर तभी हमें लाइक इंस्ट्रक्शंस मिले कि बेटर है आप लोग शेल्टर्स में चले जाइए क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है आपके फ्लैट में, मे बी एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो हम लोग सारे वहाँ पर मेट्रो में चले गए। तो फिर हमने लाइक एक तारीख तक वहाँ दिन बिताए। हम लोग इस होप में थे कि लाइक मे बी गवर्नमेंट के थ्रू कोई मदद मिली जाएगी, बट ऐसा कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं हो पाया वहाँ पर, क्योंकि हम बिल्कुल ईस्ट साइड में थे और वहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक उस टाइम पर हो रहा था। तो फिर हमने अपनी तरफ से निकलने का एक प्लान बनाया और हम एक मार्च को वहाँ से निकल गए मेट्रो रेलवे स्टेशन की तरफ। फिर हमने वहाँ से एक ट्रेन पकड़ी और लिविव की तरफ गए और फिर वहाँ से ट्रैवल करके रोमानिया बॉर्डर, और हमने वो क्रॉस किया। वहाँ पर हमें ऐसा बताया गया था कि हमारी गवर्नमेंट ने बात कर रखी है कि हम लोग वहाँ से पास हो सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पर हम लोग को शेल्टर में रखा गया और फिर अकॉर्डिंगली दो तीन जैसे बच्चे पहले जो आ रहे थे उनकी फ़्लाइट पहले हुई, उसके बाद हम लोग की फ़्लाइट हुई और हम वापस इंडिया आ पाए। अच्छा, पैदल भी चलना पड़ा कहीं? हाँ, तो वहाँ रोमानिया बॉर्डर पूरे तक हमें बस नहीं मिली, मतलब हमने एक टैक्सी बुक कराई थी वो पूरे तक नहीं पहुँचाई, तो हमें 5 से 6 किलोमीटर खुद पैदल चलना पड़ा। अच्छा, भारत में आने के बाद वहाँ से क्या व्यवस्था दी है सरकार ने, क्या यहाँ तक पहुँचा? जब हम भारत में आए तो व्यवस्था यही थी कि हर स्टेट के अकॉर्डिंगली उन्होंने बेंचेस रख रखे थे, वो प्रोवाइड करा रहे थे टैक्सी या तो फ्लाइट, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे हमें अपने स्टेट तक आने के लिए। आप यूक्रेन में देख कितनी परेशानी वहाँ से निकलने में, क्या कुछ किया और यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे? जैसे इसको जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया नितिन ने कि हम साथ ही थे नितिन और मैं, पहले तो हमने रात को शाम को बैठ के प्लान बनाया कि हमें निकलना कैसे और ट्रेन में जाना कैसे,
तो हमने रात को बैठ के पूरा प्लान बनाया, हम 20 बच्चे थे साथ में। फिर जैसे हम रेलवे स्टेशन तक पहुँचे जैसे तैसे भी, वहाँ जाके हमारा ग्रुप अलग अलग हो गया था। फिर हम जैसे हमको ट्रेन मिली तो हम ट्रेन से लिविव तक गए, पूरे 24 आवर हमें खड़े रहना पड़ा। कहीं कहीं पे जगह मिली थी बैठने की तो हम बैठे। तो फिर जब हम लिविव पहुँचे, लिविव से हमने अपनी खुद से टैक्सी वगैरह बुक करी, बॉर्डर गए। फिर बॉर्डर में हमें खुद पैदल चल के जाना पड़ा, वो जो अराउंड था 12 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ पे हम इंडियन एम्बेसी के लोगों ने हमें रिसीव किया। अच्छा ये बताइए, क्या चाहते हैं भारत सरकार से कि आप पहुँच गए, डिग्री आपकी अधूरी रह गई जी? हम चाहते हैं कि सरकार इसमें कुछ एक्शन ले, जिनके भी जो ईयर बचे हैं उसको या तो यहाँ कंटिन्यू कराएं, या फिर जिनका कंप्लीट होने वाला था उनका पेपर लेके कंप्लीट कर सकें। जैसे केरला ने कहा है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे बाकी भी अपने स्टेट बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें।